अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार भुना हुआ कीमा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। वीडियो को पूरा देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक। आइए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। भुना हुआ कीमा बनाने के लिए 3 पाव हमने लिया है कीमा, 4 अदद लिए हैं बड़े प्याज, लहसुन 1 अदद, 3 से 4 इंच अदरक का टुकड़ा, 10 अदद साबुत हरी मिर्च, 5 से 6 अदर टमाटर। तमाम मसाला को कुकर में ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो बिना कुकर के भी बना सकते हैं। 1 कप ऑयल, 1 चम्मच साबुत लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1/2 चाय का चम्मच हल्दी, 1 गिलास पानी ऐड करके उबाल आने तक पकाएंगे। जो ही उबाल आ जाएगा तो हम 15 से 20 मिनट के लिए कुकर लगा देंगे। पंद्रह से 20 मिनट बाद कुकर खोलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। कीमे को बहुत अच्छे से भून लेंगे दरमियानी आंच पर। एक चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे और कीमे को बहुत अच्छे से भूनकर यहाँ तक के तेल अलग हो जाए सर्व कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सा भुना हुआ कीमा है बिल्कुल तैयार। होप सो आपको मेरी रेसिपी बेहद पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।